शुरू होती है और हम जंगल के बीचों बीच एक खेत को देखते हैं। उन्हीं खेतों में नैन्सी नाम की एक खूबसूरत जवान लड़की अपनी खुदाई करवा रही होती है। वहीं से थोड़ी दूर पर नैन्सी का अंकल एक डायरी में उसके क्लाइंट के नाम लिख रहा था। ये देखकर हमें पता चलता है कि नैन्सी धंधे वाली है और नैन्सी पैसों के लिए किसी के साथ भी टपा टप कर सकती है और उसका अंकल ही उसकी दलाली करता है। अब टपा टप करवाने के बाद नैन्सी ने अपने बड़े बड़े संतरों को कपड़े के अंदर छुपाया और अपने अंकल के साथ अगले क्लाइंट से मीटिंग के लिए निकल पड़ी। पूरे दिन में इतनी खुदाई करवाने के बाद जाहिर है कि नैन्सी की गुफा खुद का सुरंग बन चुकी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी नैन्सी के पास क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं होती, जिससे हम जान पाते हैं कि नैन्सी के पास कितने टैलेंट हैं और कितने बड़े बड़े, ये हमें कहानी में आगे देखने को मिलेगा। अब शाम को खुदाई करवाने के बाद नैन्सी अपने अंकल के साथ ढेर सारा सामान लेकर आई और उनका घर देखने के बाद हमें पता चलता है कि वो सब बहुत ही गरीब है। और वहीं पर हम नैन्सी की छोटी बहन मीसा और अंकल के बेटे रोकी को भी देखते हैं। वो सब इतना सारा खाना देखकर बहुत ही खुश थे। अब डिनर हो जाने के बाद दारू की बोतल लेकर अंकल नैन्सी के सारे दिन का हिसाब करने बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर रोकी आता है। नैन्सी और उसका फादर क्या काम करते हैं उसका सारा आइडिया रोकी को भी था। इस काम में बहुत ज्यादा खतरा भी था, इसलिए रोकी ने अपने फादर को एक उस्तरा दिया ताकि वो संकट आने पर उससे अपना बचाव कर सके। अब रोकी वहाँ से उठकर नैन्सी के पास जाता है जो कि अभी अच्छे से नहा रही थी, क्योंकि अभी उसे एक और क्लाइंट से मिलने गोडाउन में जाना था। अब नैन्सी मस्त टिपटो बनके सुबह सुबह अंकल के साथ अपने क्लाइंट से मिलने पहुंची, लेकिन उस क्लाइंट ने नैन्सी को ऐसा पीला कि नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर अंकल वहीं बाहर खड़ा होकर दारू पी रहा था, लेकिन जब क्लाइंट ने नैन्सी के पीछे वाली गुफा में अपना औजार घुसाया तब नैन्सी रोने और चीखने लगी। तब अंकल रूम के अंदर आया और उस क्लाइंट को रुकने के लिए बोला, लेकिन वो क्लाइंट रुकने वाला कहाँ था। फिर भी जैसे तैसे करके नैन्सी उस क्लाइंट का हथियार अपनी गुफा से निकालकर अंकल के पास आ गई। इसके बाद अंकल और उस क्लाइंट की झड़प में उस क्लाइंट ने अंकल को बस थोड़ा सा धक्का ही दिया था, पर अंकल का गला कट गया उस तरह से जो रोकी ने उन्हें दिया था। अब मौके पर ही अंकल अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे पूरे घर में मातम वाला माहौल छा गया। अब धीरे धीरे उनके सारे पैसे भी खत्म हो रहे थे, लेकिन अंकल के फोन पर अभी भी क्लाइंट के फोन लगातार आए जा रहे थे। तब मजबूरन नैन्सी को क्लाइंट का कॉल अटेंड करना पड़ा जो कि उसे मीटिंग के लिए बुला रहे थे। अब नैन्सी अकेली तो जा नहीं सकती थी, इसलिए रोकी उसके साथ जाने का फैसला करता है। अब जंगल में नैन्सी अपने क्लाइंट के घोड़े को अपनी गुफा में घुसवा रही थी और रोकी अंकल की तरह डायरी में हिसाब करते हुए दूसरे क्लाइंट से बुकिंग कर रहा था। अब रात तक टपटप करने के बाद जब नैन्सी रोकी के साथ घर जा रही थी तो उसको एक क्लाइंट के बारे में याद आया जो उसे ढेर सारे पैसे देने वाला था। तो ये दोनों उस आदमी के पास गए तो पता चला वो आदमी उस गाँव का प्रधान है और वो गाँव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी एक समस्या ये थी कि उसका बेटा गे था और वो चाहता है कि उसका बेटा मर्द बने। तो उसकी मर्दानगी बाहर निकालने के लिए उसने नैन्सी को बुलाया। इस काम को करने के साथ ही नैन्सी को ये बात याद भी रखनी होगी कि मर्दान का बेटा गे है और वो इस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। लेकिन कमरे में अंदर जाते ही प्रधान के बेटे ने नैन्सी के साथ टपटप करने से मना कर दिया। तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि नैन्सी चिल्लाने की आवाज़ निकालेगी ताकि सबको ऐसा लगे कि प्रधान का बेटा जबरदस्त खुदाई कर रहा है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। प्रधान ने नैन्सी पे भरोसा करके ये यकीन कर लिया कि उसका बेटा अभी भी एक मर्द है। अब वहाँ से पैसे वगैरह लेने के बाद रोकी नैन्सी को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन रोकी ने पूरे गाँव में नैन्सी के बारे में प्रचार कर दिया, इससे बहुत सारे मजदूर नैन्सी की गुफा में खुदाई करने आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उनके पास अच्छे खासे पैसे भी आने लगे थे, पर तभी एक दिन उनके इस धंधे के बारे में पुलिस ऑफिसर सैमुअल को पता चला, तो वो तुरंत रोकी से मिला और उससे अपना कमीशन सेट किया। इसके बाद उसने भी नैन्सी की टांगे उठाकर उसके मुलायम जिस्म की सवारी करी और खुदाई करने का इतना मजा उसे आज तक नहीं मिला था। और यही सैमुअल ने रोकी को भी अपने गे कॉन्स्टेबल से इंटीमेट होने को बोला और मजबूरी में रोकी को भी ऐसा करना पड़ा, और इस दौरान उसे काफी बार वोमिटिंग भी हुई क्योंकि रोकी ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था। अब ये सब होते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं और अब रोकी भी गाँव की औरतों के साथ मीटिंग्स लेने लग गया था और अब इन दोनों भाई बहन ने मिलकर पूरे गाँव में काफी तगड़ा वाला टपटप का काम चालू कर लिया था। अब ऐसे ही एक औरत को पेलने के बाद रोकी नैन्सी के साथ घर जा रहा था, तभी उनको रास्ते में सैमुअल मिला और उनसे अपना कमीशन लिया और आगे बढ़ गया। अब अगले दिन नैन्सी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो रोकी उसको कम्बल उड़ाकर खुद बाहर दवाइयाँ लेने चला गया। अब इसी दौरान सैमुअल भी गाँव का दौरा कर रहा था, अभी उसे कॉलेज से घर जा रही एक यंग लड़की दिखाई देती है। अब वो लड़की सैमुअल को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे लग जाता है। अब वो लड़की घर पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करती है और ये सब कुछ सैमुअल भी चोरी छिपे बाहर खिड़की से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टेबल का ये दोस्त दारू के नशे में खूब धुत हो रखा था, तो
मेले में बुलाया, लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में था कि रॉकी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। बड़े ही आराम से रॉकी उस कॉन्स्टेबल के बुलेट से उसके सारे पैसे और उसकी महंगी घड़ी अपने साथ ले जाता है। अब उस घड़ी को बेचकर रॉकी ने नैंसी के लिए सारे दवाइयों का इंतजाम कर लिया था और दवाइयाँ लेते ही नैंसी की हालत में सुधार भी होने लगा था। अब नैंसी के बीमार होने की वजह से रॉकी को टपा टप का काम करना पड़ रहा था, इसलिए रॉकी ने प्रधान के बेटे जोशुआ को बुला लिया। जोशुआ भी बड़े प्यार से नैंसी का ख्याल रख रहा था। वहीं दूसरी ओर रॉकी ने उस कॉन्स्टेबल की चुराई हुई घड़ी को बेचा नहीं था बल्कि उसे पहन रखा था, इसलिए वो सैमुअल की नज़र में आ गया और फिर सैमुअल ने कॉन्स्टेबल के साथ मिलकर उसे खूब मारा और उसे जेल में डाल दिया। उसी लॉकअप में रॉकी को वो कॉलेज वाली लड़की भी दिखी जिसे सैमुअल ने किडनैप कर रखा था, पर अभी तक उसने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता बल्कि वो उसकी मर्जी के साथ ही उसके साथ टपाटप करना चाहता था। उधर दूसरी तरफ रॉकी के घर न आने से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि सभी दुकानदारों ने भी नैंसी को उधार देने से मना कर दिया था। अब कमजोरी की वजह से नैंसी घर में ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद नैंसी की छोटी बहन मीसा ने जैसे तैसे करके उसे होश में लाया। उसी तरफ जेल में जब रॉकी ने उस लड़की से बात की तो हमें उसका नाम पता चला, उसका नाम अमाया था। अमाया ने रॉकी से खुद के लिए हेल्प मांगी, लेकिन रॉकी की इधर खुद की फटी पड़ी थी तो वो उसकी हेल्प कैसे करता। अब उन दोनों में चल रही बातें सैमुअल सुन लेता है और वहाँ गुस्से में आता है और अमाया को अपना खूब दिखाने के चक्कर में उसने रॉकी की जमकर कुटाई कर दी और फिर वो रॉकी को धमकाता भी है कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा तो जिंदा रहेगा। तभी वहाँ सैमुअल का एक दोस्त आता है जिसकी बातों में आकर सैमुअल ने अमाया के कपड़ों को चेंज करवाया और साथ ही उसके संतरों को भी टच किया। अब ये सब देख रॉकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब इधर सैमुअल को रॉकी की डायरी मिल गई जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था, तो वो उस किताब को लेकर रॉकी के पास आया और उससे उन क्लाइंट के बारे में पूछताछ की। उसके बाद जेल से छोड़ने के लिए उसने रॉकी से पैसे मांगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि उसके सारे पैसे नैंसी की दवाइयों में लग गए थे। अब सैमुअल ने पैसे कमाने का दूसरा तरीका निकाला जिसमें उसने डायरी से नंबर लेकर एक क्लाइंट को फोन लगाया और उसको पुलिस स्टेशन बुलाया, उसको अमाया के साथ टपाटप करने को बोला जिसके बदले में सैमुअल उससे पैसे ले सके। अमाया अभी कच्ची उम्र की थी तो उस क्लाइंट ने उसे पहले अपना लॉलीपॉप टेस्ट करवाया और जैसे ही वो अपना हथियार उसके गुफा में घुसाने वाला था कि तभी वहाँ सैमुअल आ गया और उसने उस क्लाइंट को मार मार के वहाँ से भगा दिया। ये देखकर रॉकी इतना तो समझ गया कि सैमुअल भी अमाया की थोड़ी बहुत फिक्र तो करता है, इसलिए उसने सैमुअल को बोला कि ये काम वो और उसकी बहन उसके लिए करेंगे जिसके लिए उसे नैंसी को यहाँ बुलाना होगा। तब सैमुअल ने अपने बंदों से नैंसी को बुलावा भेजा तो नैंसी भी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। इधर रॉकी ने अमाया को समझाया कि उसकी बहन जल्दी ही यहाँ आएगी और वो सब यहाँ से बाहर होंगी, लेकिन नैंसी के आते ही सैमुअल ने उसे भी अमाया के साथ जेल में बंद कर दिया। नैंसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तब रॉकी ने नैंसी को समझाया कि उसे अमाया को सैमुअल के साथ खपाखप करने के लिए तैयार करना पड़ेगा और ऐसा करने पर वो हम दोनों को यहाँ से आजाद कर देगा। उसके बाद न चाहते हुए भी नैंसी ने अमाया को पहले नहलाया और उसे अच्छे से तैयार किया। अब इसके बाद सैमुअल अमाया को अपने बेड पर ले गया और अमाया के मना करने पर भी सैमुअल ने उसके साथ जबरदस्ती की। पहले तो सैमुअल अमाया के ऊपर ऊपर से ही मजे ले रहा था, लेकिन तभी वो एग्रेसिव हो गया और उसने अमाया की दोनों गुफाओं की जमकर खुदाई कर दी। अब अमाया की चीखी पुलिस स्टेशन के बाहर तक गूंज रही थी। वहीं अमाया की चीखी सुनकर नैंसी और रॉकी भी कांप उठी। अब अमाया को अच्छे से पेलने के बाद सैमुअल ने उसे फिर से उसी जेल में छोड़ दिया जहाँ नैंसी ने उसे कुछ पेन किलर्स दिए। अब रात होते ही सैमुअल फिर से अमाया को घोड़े बनाने के लिए आ गया था, लेकिन इस बार नैंसी ने उसे रोककर समझाया कि अभी उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए क्योंकि अमाया ने पहली बार अपनी खुदाई करवाई थी। नैंसी उसे कहती है कि वो चाहे तो अमाया के बदले उसे घोड़े बना सकता है। फिर क्या था, सैमुअल ने अमाया के सामने ही नैंसी को अपने हथियार पर बैठा लिया और जैसे नैंसी उसके हथियार की सवारी कर रही थी वैसे ही अमाया को सीखना था। लेकिन इसी बीच जब सैमुअल जन्नत की सैर करने वाला था उसे बीच नैंसी ने उस तरह से सैमुअल का गला काट दिया और जल्दी से उसने चाबियां ली और रॉकी को आजाद कर दिया। इतने में अमाया ने एक लोहे की रोड को उठाया और गुस्से में उसे सैमुअल के पिछवाड़े में डाल दिया और ऐसा करके अमाया को जो सुकून मिलता है वो उसके चेहरे पर हम साफ तौर पर देख पा रहे थे। वही मौके पर सैमुअल की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत अपने घर गए और वहाँ से सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल गए। इतनी देर में वहाँ जोशुआ भी अपनी कार लेकर आ गया था क्योंकि वो भी इस काम को छोड़कर अपनी लाइफ एंजॉय करने जाना चाहता है। अगले दिन वो सब काम से बाहर थे और अब अमाया के साथ रॉकी रिलेशनशिप में आ चुका था और वहीं सबने एक दूसरे को उनकी मदद के लिए थैंक्स बोला और लास्ट में हम देखते हैं कि सब अपने अपने पार्टनर के साथ खुदाई करके बहुत खुश हैं। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।